हम पढ़ने जा रहे हैं आज हमारा टॉपिक है मिक्सिंग। हम लोगों ने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर यूनिट नंबर थर्ड पढ़ रहे हैं, उसका सेकंड टॉपिक है मिक्सिंग। हम लोग पढ़ रहे हैं फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर का, जो ये सारे टॉपिक्स आपके डी फार्मा फर्स्ट ईयर के फार्मास्यूटिक्स है। तो मिक्सिंग हमने लास्ट टाइम जाना था कि मिक्सिंग क्या होता है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उसका लक्ष्य क्या है और हम क्यों करते हैं, कैसे करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि मिक्सिंग की मैकेनिज्म क्या है, जब आप कोई चीज मिक्स करते हैं तो किस तरह से काम करता है, कैसे वो आपस में मिलता है, उसको मैकेनिज्म ऑफ मिक्सिंग कहते हैं। और मिक्सिंग के नेचर के हिसाब से मैकेनिज्म को दो भागों में बांटा गया है, एक सॉलिड मिक्सिंग एक लिक्विड। जब सॉलिड को मिलाना हो सॉलिड के साथ तो सॉलिड मिक्सिंग, और लिक्विड को मिलाना हो लिक्विड के साथ तो लिक्विड मिक्सिंग। हम बात करने वाले हैं सॉलिड मिक्सिंग में देखा जाए तो इसकी तीन मैकेनिज्म है, दिस इज द कन्वेक्टिव डिफ्यूजिव एंड शियर मिक्सिंग। लिक्विड मिक्सिंग की बात की जाए तो ये बल्क ट्रांसपोर्ट, टर्बुलेंट मिक्सिंग, लैमिनार मिक्सिंग एंड मॉलिकुलर डिफ्यूजन। एक बहुत खास बात आपको जाननी है कि सॉलिड मिक्सिंग और लिक्विड मिक्सिंग में बहुत बड़ा डिफरेंस क्या है, कि सॉलिड मिक्सिंग रिवर्सिबल हो सकता है, रिवर्सिबल हो सकता है। आप काजू बादाम मिला दीजिए और फिर उसको अलग कर सकते हैं, जितना पार्टिकल साइज छोटा था चला जाएगा, अलग करने में उतनी दिक्कत आएगी लेकिन अलग कर सकते हैं। आप बेसन आटा मिला दीजिए, पार्टिकल साइज बहुत छोटा, उसको अलग करने में बहुत दिक्कत होगी लेकिन कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, बहुत मेहनत लगेगी लेकिन हो सकती है। लेकिन लिक्विड मिक्सिंग के साथ एक खासियत है कि इरिवर्सिबल है, एक बार मिला दिया तो अलग करना पॉसिबल नहीं। एक बार आपने दूध और पानी मिला दिया, अब आप पानी दूध अलग नहीं कर सकते, आपने दारू पानी मिला दिया उसको अलग नहीं कर सकते, बाकी डिस्टिलेशन करो अलग बात है, समझा क्या। तो लिक्विड मिक्सिंग इरिवर्सिबल है और सॉलिड मिक्सिंग रिवर्सिबल। अब मैकेनिज्म डिस्कस कर लें, पहला है सॉलिड मिक्सिंग में कन्वेक्टिव मिक्सिंग। ये बहुत आसान तरीका, कन्वेक्टिव मिक्सिंग क्या होता है कि आप एक भगोना ले लीजिए, उस भगोने में आपको जो मटेरियल मिलाना हो, दो से ज्यादा मटेरियल मिलाना है, मिक्सिंग करना है। जैसे मान लीजिए कि आपको कुछ बनाना है तो आप एक भगोने में बेसन डालिए, आटा डालिए, नमक डालिए, हल्दी डालिए और एक बड़ा सा ले लीजिए जो होता नहीं पथरी चलाने वाला प्रोपेलर, उसको लगा घुमा दीजिए, जब उसको हाथ से ही कलसुल से चलाते रहो चलाते रहो चलाते रहो चलाते रहो, कुछ देर बाद मिक्स हो जाएगा। वही होता है, इसमें क्या होते हैं कि एक एजिटेटर लगा होता है जिसमें ब्लेड्स होती है, जब ये घूमता है तो इसके अंदर जितने मटेरियल भरे हैं वो चारों तरफ एक सर्कुलर मोशन करना शुरू कर देते हैं। जब सर्कुलर मोशन करते हैं तो पार्टिकल अपने स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट होते रहते हैं, यहाँ वाला यहाँ जाएगा, यहाँ वाला वहां जाएगा, ऐसे करते 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 काफी देर करने के बाद जब पार्टिकल्स अपने लोकेशन को चेंज कर देते हैं तो वो एक दूसरे से यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाते हैं। ये सबसे सरल तरीका है कन्वेक्टिव मिक्सिंग। इसका छोटा सा ड्रॉबैक ये भी है कि बड़े पार्टिकल तो आसानी से घूमेंगे लेकिन जो छोटे पार्टिकल होंगे वो तो नीचे जाके ऐसे बैठ जाएंगे, और जब नीचे जाकर बैठ जाएंगे तो इनको जितना भी घुमाओगे उतनी प्रॉपरली घूमेंगे नहीं, और जब घूमेंगे नहीं तो मिक्सिंग होगी नहीं। इसका एक ड्रॉबैक ये है कि बड़े पार्टिकल के लिए तो ठीक है, छोटे पार्टिकल के लिए ये कार्यक्रम हमारा थोड़ा सा चलने वाला नहीं। दूसरा है हमारा डिफ्यूजिव मिक्सिंग। डिफ्यूजिव क्या होता है, डिफ्यूजन आप जानते हैं मूवमेंट की बात हो रही है, कहीं जाने की बात हो रही है। इसमें क्या होता है, किसी कंटेनर में आपने बड़े पार्टिकल्स रख दिए हैं और बड़े पार्टिकल्स रखते हैं उनके बीच में वॉइड स्पेस होते हैं और उसके ऊपर से आप छोटा पार्टिकल डाल के चले जाए। जैसे आप ये समझिए कि आपने किसी बर्तन में ढेर सारे आलू रख दिए हैं, उबाल के आलू छीन के रख दिए, आलू बड़े पार्टिकल्स हैं, अब उसके ऊपर एक बोरी नमक यानी थोड़ा सा नमक जो डालना हो डाल के चले जाओ। अब धीरे धीरे नमक धीरे धीरे नीचे गिरता जाएगा गिरता, क्योंकि वो जगह बनाता रहेगा और जगह बनाकर धीरे 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 सेटल होकर नीचे बैठता है और धीरे धीरे क्या होगा पूरी जगह पे बराबर फैल जाएगा। लेकिन इसके साथ नुकसान क्या है कि ये बहुत टाइम टेकिंग, क्योंकि हम इसमें बाहर से कोई भी फोर्स सप्लाई नहीं कर रहे हैं, कोई भी एक्स्ट्रा सप्लाई नहीं। अगर लेके आलू छिला देते कल छुल से किसी चीज से तो तुरंत मिक्स हो जाता, हम छोड़ कर चले गए। तो डिफ्यूजिव मिक्सिंग क्या होता है, बहुत टाइम टेकिंग होता है और ये तभी होता है जब किसी बड़े पार्टिकल में किसी छोटे पार्टिकल को मिलाना, दोनों पार्टिकल सेम साइज के हैं तो उस पर डिफ्यूजन हो पाना पॉसिबल नहीं है। दिस इज द डिफ्यूजिव मिक्सिंग। एंड द लास्ट वन इज द शियर मिक्सिंग। शियर मिक्सिंग आप जानते हैं, आपके घर में ओखली होगी, ओखली खलबट्टा आप जानते होंगे, मम्मी लोग क्या करती हैं कि उसमें जो चीज मिला लिया, तीन चार चीज जिसको पीसना है उसको मिला लिया और ऊपर से लेके जो भी होता है खलबट्टा होता है या फिर जो भी क्या बोलते हैं उसको ओखली क्या रखते हैं मूसर, मूसर से पीटते रहते हैं पीटते रहते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो मूसर जहां पड़ा वहां के पार्टिकल छोटे टूटे टूटे, अच्छा क्या है पार्टिकल चिपके क्यों थे, उनके बीच अट्रैक्शन फोर्स था तो उनका अट्रैक्शन फोर्स खत्म हुआ और पार्टिकल दूर हट गए, जब दूर हट गए तो अपने लोकेशन से शिफ्ट हो गए, अब उनके साथ दूसरे पार्टिकल आ गए, उनको मारे वो शिफ्ट हो गए, उनके साथ दूसरे आ गए,
उनको मारे वो शिफ्ट हो गए मुझे दूसरी आ गए। इस तरह से पार्टिकल बगल बगल शिफ्ट होते रहते हैं और ऊपर से नए नए पार्टिकल आते रहते हैं। काफी रेजिस्टर सीयर का मतलब होता है बल लगाना, ऊपर से आपके हथौड़ा लेके हैमर लेके सब ठोकते रहेंगे बल लगाते रहेंगे तो पार्टिकल का साइज भी रिड्यूस होता रहेगा और वो शिफ्ट भी होते रहेंगे। और जब लगातार मोशन करते रहेंगे शिफ्ट होते रहेंगे तो कुछ देर बाद सारे क्या हो जाएंगे मिक्स हो जाएंगे। क्या ये आसानी से मान लीजिए आप हल्दी ले लो और अदरक का सोल्ट ले लो, कुछ भी ले लो, उसको लेकर पीसते रहो कुछ देर बाद आदमी पूरा पाउडर जो हो जाएगा मिक्स हो जाएगा। ये सॉलिड मिक्सिंग की बात थी, दिस इज द तीन प्रकार हो गए, शेयर मिक्सिंग बन जाएगी आपको। अब हम अगली बात करेंगे लिक्विड मिक्सिंग। लिक्विड मिक्सिंग ये भी बहुत आसान तरीके से समझिए, एकदम मैं आपको घरेलू एग्जांपल समझाऊंगा, है तो बहुत साइंटिफिक वर्ड बहुत बड़ा है बहुत टेक्निकल होता है उसके चक्कर पड़ेंगे तो भूल जाएंगे। लिक्विड मिक्सिंग में भी चार प्रकार है, बल्क ट्रांसपोर्ट, ठीक है, रेमनेंट मिक्सिंग, लैमिनार मिक्सिंग एंड मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन। हम बात करेंगे बल्क ट्रांसपोर्ट, क्योंकि बल्क ट्रांसपोर्ट क्या होता है, ट्रांसपोर्ट मतलब गति, बल्क मतलब ज्यादा। बहुत आसान तरीका है, आपको क्या करना है, एक गिलास में पानी ए है, एक गिलास लिक्विड बी है, कोई लिक्विड है कोई लिक्विड बी, इन दोनों को मिक्स करना है। बहुत आसान तरीका है, गिलास पानी लो, समझ आ रहा है, उसका उसमें लो, उसका उसमें डालो, फिर उसमें डालो, दिस इज द बल्क ट्रांसपोर्ट। बल्क मतलब पूरा एक बार में जा रहा है फिर पूरा एक बार में आ रहा है। आपने दो गिलास लिया ए और बी, आपस में शिफ्ट करना शुरू कर दीजिए, 10 मिनट बाद दोनों लिक्विड एकदम मिक्स। तो ये सबसे आसान घरेलू तरीका है, दिस इज कॉल्ड बल्क ट्रांसपोर्ट। अगर इसको अपनी भाषा में बताना है तो क्या करेगा, कोई भी दो अलग लिक्विड को हम क्या करते हैं, उनके एक दूसरे में ट्रांसपोर्ट करते हैं और लगातार मीडियम को चेंज करते रहते हैं, ट्रांसपोर्ट वन कंटेनर टू अनदर कंटेनर करते रहते हैं, कुछ देर बाद सारे पार्टिकल आपस में मिक्स हो जाते हैं। दूसरी बात करते हैं हम टर्बुलेंट मिक्सिंग की, बहुत आसान तरीका यही है कि कोई कंटेनर ले लो, उस कंटेनर में कोई लिक्विड ए भरा है और दूसरा लिक्विड जो बी है उसको पंप की सहायता से, टुल्लू की सहायता से बहुत तेज गति से पाइप से उसके अंदर भेजो। क्योंकि आपको पता है कि जब बी लिक्विड आएगा तो उसका टर्बुलेंट मतलब क्या होता है, तेज वेलोसिटी, वो इस तरह से उसके अंदर मूवमेंट करेगा। जब उसके अंदर मूवमेंट करेगा तो बी वाला ए वाले के साथ धीरे धीरे मिक्स हो जाएगा, समझा गया, बी वाला ए वाले के साथ धीरे धीरे मिक्स हो जाएगा और इस मिक्सिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्बुलेंट मिक्सिंग। क्योंकि जब हम दूसरे लिक्विड को, एक लिक्विड स्टैटिक है कॉन्स्टेंट है और दूसरे लिक्विड को हाई वेलोसिटी के साथ टर्बुलेंट फ्लो के साथ, भाई फ्लो पढ़ा था लेमनार टर्बुलेंट, तो टर्बुलेंट फ्लो के साथ जब डालते हैं तो पार्टिकल के बीच में यहाँ पे एडी करंट डेवलप होती है। ये जो धाराएं उठ रही हैं इसको एडी करंट्स बोलते हैं, आपने फ्लो ऑफ फ्लूइड पढ़ा था, दिस इज एडी करंट्स। और एडी करंट्स क्या होती है, लहर होती है और वो लहर क्या करेगी, ऊपर नीचे जाएगी और पार्टिकल के साथ आपस में मिक्स हो जाएगी, दिस इज एडी करंट। थर्ड वन इज द लेमनार, तो लेमनार को आप जानते हैं क्या होता है, धीरे धीरे मोशन, ठीक है, धीरे धीरे मोशन। इस केस में क्या हो रहा है कि जब कोई हमारा दो लिक्विड है जो अपोजिट नेचर का है, विस्कस है, बहुत अगर विस्कस लिक्विड है, उस विस्कस लिक्विड में अगर आप स्पीड डालेंगे तो मिक्सिंग प्रॉपर नहीं होगी। विस्कस लिक्विड है, मान लीजिए हमारे पास कोई कंटेनर है, इसमें जो लिक्विड भरा है वो विस्कस लिक्विड है, विस्कस मतलब तो गाढ़ा, ठीक है, ये कोई गाढ़ा लिक्विड भरा है और इसके अंदर हमको जो दूसरा लिक्विड मिलाना है वो दूसरा लिक्विड हम क्या करेंगे, धीरे धीरे डालेंगे, लिक्विड बी लिक्विड ए इसको हम धीरे धीरे डालेंगे ताकि इसके ऊपर एक पतली सी लेयर बनाए। और जब ये पतली सी लेयर बना लेगी, क्योंकि हम इसको मिक्स कर नहीं सकते इसे मिला के, बहुत गाढ़ा है आप समझिए, तो अब इसको जब ये पतली सी लेयर बना ली तो अब क्या करेंगे, ये धीरे धीरे इसके सरफेस पे एब्जॉर्ब होना शुरू करेगा और नीचे आना शुरू करेगा। जब एब्जॉर्ब हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली इसको इस दिन में मिक्स हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे सीयर अप्लाई करेंगे तो ये बन नहीं सकता, हमको स्लो नहीं बहुत धीरे धीरे लिक्विड ड्रॉप ड्राई करके या बहुत धीरे धीरे लेयर बना के डालनी होगी ताकि उसके सरफेस पे पूरा इकट्ठा हो। बहुत तेज डालोगे तो अंदर चला जाएगा और हो सकता है ब्रेकिंग आ जाए, इसलिए धीरे धीरे स्पेस डालते हैं, धीरे वेलोसिटी डालते हैं, दिस इज कॉल्ड लैमिनार मिक्सिंग। एंड द लास्ट वन इज मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन, ये किस केस में करते हैं, मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन करते हैं सेमी सॉलिड केस में, जैसे हम लोग ऑइंटमेंट बनाते हैं, आपने फर्स्ट ईयर बनाया था, उसमें बेस होता है लाइपोफिलिक हाइड्रोफिलिक बेसिस होते हैं, ठीक है, पैराफिलमैक्स होता है, तो अब उसमें क्या होते हैं, उसको लेते हैं उसके ऊपर ड्रग पार्टिकल गिरा दें, अब ड्रग पार्टिकल क्या करेगा, डिफ्यूज होके मूवमेंट करेगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिया और ये हमारा कोई ब्लॉक, दिस इज द कोई सॉलिड की तरह होता है, गाढ़ा पार्ट है, दिस इज सेमी सॉलिड बेस, ये सेमी सॉलिड बेस है। अब इसके ऊपर जब तुमने ड्रग का पार्टिकल डाला तो ये ड्रग का पार्टिकल क्या होगा, डिफ्यूज होगा, यहाँ पे कंसेंट्रेशन हाई है ड्रग पार्टिकल का और यहाँ पे कंसेंट्रेशन लो है, ये अंदर की ओर जो डिफ्यूज हो रहा है यही हमारा है डिफ्यूजन। किस केस के लिए है ये मिक्सिंग, किसके लिए मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन, सेमी सॉलिड के लिए, जब हमको किसी सेमी सॉलिड लिक्विड में किसी ड्रग को मिक्स करना है तो उस केस के लिए हमारा ये पॉसिबल।
तो अलग अलग मैकेनिज्म के बेसिस पे हमने देखा कि मिक्सिंग कितने प्रकार की हो सकती है। अब मैकेनिज्म हमको पता चल गया, अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे इक्विपमेंट्स, कौन कौन से मिक्सिंग इक्विपमेंट्स आते हैं, उनका स्ट्रक्चर, वर्किंग और एडवांटेज। ठीक है, ठीक है।